आपने मिलिट्री बेस्ड मूवीज और वेब सीरीज में रॉजर, ओवर एंड आउट, स्टैंड बाय जैसी कई टर्म्स को तो जरूर सुना होगा। और आज की वीडियो में हम ऐसे ही सभी मिलिट्री कम्युनिकेशन टर्म को डिकोड करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। रॉजर और रॉजर दैट। रॉजर टर्म रेडियो कम्युनिकेशन में यूज किया जाता है, जिसका मतलब होता है मैसेज इज रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड। कॉपी और कॉपी दैट। इन्फॉर्मेशन रिसीव होने पर कॉपी टर्म का यूज भी किया जाता है, पर रॉजर और कॉपी ये दोनों टर्म्स डिफरेंट सिचुएशंस में यूज की जाती है। रॉजर टर्म इज यूज्ड टू एक्नॉलेज एन इंस्ट्रक्शन विच डिमांड सम एक्शन, व्हाइल द कॉपी टर्म इज यूज्ड टू एक्नॉलेज एन इंफॉर्मेशन विच मे नॉट नीड एन एक्शन। नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है नो। दरअसल जब किसी सवाल का जवाब हाँ या ना में देना होता है, तो नेगेटिव टर्म के थ्रू नो मैसेज कन्वे किया जाता है, वही यस के लिए अफर्मेटिव या पॉजिटिव टर्म का यूज किया जाता है। स्टैंड बाय। स्टैंड बाय एक ऐसी सिचुएशन को कन्वे करने के लिए यूज की जाती है जहां पर ट्रूप एक्शन के लिए फुली प्रिपेयर्ड है, पर एक्शन से पहले परमिशन का वेट कर रहे हैं या वेट करने को बोला गया है। वही स्टेट ऑफ रेडीनेस से स्टेट ऑफ ईज में आने के लिए स्टैंड डाउन टर्म का यूज किया जाता है। अबॉर्ट। जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है कि ये टर्म तब यूज किया जाता है जब प्रेजेंट मिशन को उसके करंट स्टेट में छोड़कर बेस पर वापस आने के ऑर्डर्स हो। नो नेम्स। दरअसल रेडियो कन्वर्सेशंस को एनमी द्वारा इजिली इंटरसेप्ट किया जा सकता है, और ऐसे में अपने आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए नो नेम्स टर्म का यूज किया जाता है, जिसका मतलब हुआ कि अब कोई कन्वर्सेशन में किसी भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लेगा। एंगेज। मिलिट्री टर्म्स में एंगेजिंग द एनमी का मतलब हुआ एनमी को ऑक्यूपाइड रखना या डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट करना, एनमी को किसी दूसरी तरह से एंगेज ना कर पाने पर उसको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करना लास्ट ऑप्शन होता है। कैप्टन हैज द कॉन। शिप्स और सबमरीन्स में जब शिप चेंज होती है, तो ऑफिसर जिसके पास अभी शिप की कमांड आई है वो अनाउंस करता है एक्स वाई जेड हैज द कॉन, ताकि सबको ये पता चल जाए कि उन्हें फिलहाल किससे ऑर्डर लेने हैं। ओवर। किसी भी कन्वर्सेशन में ये काफी जरूरी है कि एक इंडिविजुअल बोले और उस समय सेकेंड पर्सन फर्स्ट इंडिविजुअल की बात सुने, इसलिए जब भी कोई ओवर टर्म का यूज करता है उसका मतलब होता है कि मैंने अपनी बात कंप्लीट कर ली है, अब आप बोल सकते हैं। जहां पर ओवर टर्म सेंटेंस के कंप्लीट होने पर यूज किया जाता है, वैसे ही आउट टर्म का यूज एक कम्युनिकेशन के कंप्लीट होने पर किया जाता है। लास्ट सेंटेंस के साथ कम्युनिकेशन को एंड करने पर इंडिविजुअल ओवर एंड आउट दोनों टर्म्स का यूज करते हैं। आउट टर्म के बाद भी अगर किसी को कुछ बोलना है तो वो न्यू कन्वर्सेशन होगी। रेडियो साइलेंस। जब एनमी द्वारा रेडियो इंटरसेप्शन के चांसेस हाई होते हैं, तो रेडियो साइलेंस टर्म यूज किया जाता है, जिसका मतलब होता है अब रेडियो के थ्रू कोई कम्युनिकेट नहीं करेगा। इसके अलावा और भी कुछ टर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे विलको विच मीन्स विल कम्प्लाई, रॉन्डेवू means meeting point where you are expected to go after completion of the mission, intel meaning secret or specific information on something। ये थे मिलिट्री कम्युनिकेशन में यूज होने वाले कॉमन टर्म्स। अगर आप कोई और टर्म को भी इस लिस्ट में ऐड करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। लाइक करें हमारी वीडियो को और हमेशा की तरह हमारी वीडियो को शेयर करते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में।